प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएस की यात्रा कर रहे हैं, एक हिस्टोरिक ये यात्रा है क्योंकि वे स्टेट विजिट हो रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस निर्णय के साथ ही जो पूरा चाइना और पाकिस्तान का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा था G20 में, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस मूव के चलते उनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है कि जब वो यूएस से वापसी कर रहे होंगे तो 24-25 जून को वो जो है प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और भारत और मिस्र के जो ट्रेड रिलेशन है, जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है, उस पर वो डिस्कस करने चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजिप्ट की एक लोकेशन है, जिस तरीके से वो अफ्रीका का गेटवे है, यूरोप का गेटवे, आगे सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम बेसिक इस इजिप्ट से जुड़ी हुई जो पॉइंट्स है थोड़ा उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर भारत और मिस्र के जो रिलेशन धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं और भारत के लिए मिस्र का क्या महत्व है और मिस्र भारत को क्यों इतना महत्वपूर्ण रूप से देख रहा है, क्योंकि उसकी भी कई समस्याएं हैं और इसलिए दोनों के नेशनल इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व हैं और एक स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप पार्टनरशिप उभरती हुई दिख रही है। ये अगर हम पॉइंट करें तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फर्स्ट स्टेट विजिट टू इजिप्ट है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 1997 के बाद ये इजिप्ट की पहली यात्रा हो रही है। हालांकि इस बीच में कई बायलेटरल जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनमें दोनों देशों में एक दूसरे के यहाँ आना जाना हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेट विजिट है और ये विजिट जो आई है इसका इन्विटेशन जो है प्रेसिडेंट सीसी ने दिया था जब वो स्टेट गेस्ट के तौर पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इसी वर्ष भारत आए थे 26 जनवरी को, और तब उन्होंने ये इनविटेशन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया था। और अभी जब यूएस की यात्रा प्रधानमंत्री जी की हुई तब शीघ्र ही भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रोग्राम इजिप्ट का तैयार किया। हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले श्रीनगर में G20 की एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी और चूंकि इजिप्ट जो है G20 का मेंबर कंट्री नहीं है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट इंडिया ने जो है एज गेस्ट कंट्री के तौर पर इजिप्ट को भी इनवाइट किया था और इजिप्ट चाइना टर्की सऊदी अरेबिया ने इस श्रीनगर में जो मीटिंग हुई थी उसका एक तरीके से उसमें शामिल नहीं हुए, एक बायकॉट किया पाकिस्तान के प्रभाव के चलते। इसके बावजूद ये इजिप्ट की यात्रा, इसके क्या मायने हैं, इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। आप अपनी यात्रा के दौरान कुछ ट्रेडिशनल तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीपल टू पीपल कनेक्ट भी होंगे, भारतीय समुदाय वहां एक जो छोटा सा उससे मिलने का प्रयास करा जाएगा, उनसे मिलेंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी जो हैं अल हकीम मॉस्क का भी दौरा कर सकते हैं, इस बात की भी महत्वपूर्ण एक स्टेप लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो मॉस्क है वो 11th century की मॉस्क है, बहुत पुरानी मॉस्क है और इसका जो रिफर्बिश्ड किया गया है, इसको रिनोवेट जो किया गया है वो इंडियन बोहरा कम्युनिटी के द्वारा किया गया है। और इस तरीके से देखते हैं किस तरीके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इजिप्ट और भारत की जो कल्चरल रूट्स हैं उनको जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और पीपल टू पीपल कनेक्ट करके इमोशनल लेवल पर जाकर के भारत और इजिप्ट के संबंधों में एक नई गहराई देते हुए इस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बुनियाद जो है वो रख रहे हैं। हालांकि इसके बाद वो होलियो पुलिस वार ग्रेव यार्ड भी जाएंगे और जहां पर वो उन इंडियन सोल्जर्स को जो है श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में इजिप्ट की ओर से अपनी सेक्रीफाइसेस किया था, बलिदान दिया था। और इंडिया क्यों चाहता है कि उसका इजिप्ट के साथ रिलेशन जो है फर्दर एक्सपेंड करे, आखिर इजिप्ट में क्या ऐसे संबंधों के साथ वो भारत के कौन से भू रणनीतिक हित छुपे हुए हैं, भू आर्थिक हित छुपे हुए हैं जिनके लिए जिनके चलते आज इजिप्ट जो है भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कंट्री के रूप में उभर करके मिडिल ईस्ट में आया है। क्योंकि अगर हम देखें तो एक इजिप्ट जो है की प्लेयर है, अगर हम अरब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को देखें, अफ्रीका की पॉलिटिक्स को देखें और साथ ही साथ अगर हम वाइडर स्कोप में देखें तो इजिप्ट जो है गेटवे है अफ्रीका के लिए, इजिप्ट गेटवे है यूरोप के लिए, इजिप्ट एक गेटवे बन सकता है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए, स्पेशली अरब कंट्रीज के लिए, ओआईसी के लिए। तो वो सारी चीजों पर भी हम आगे फर्दर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कहां कहां भारत के स्टेक्स लगे हुए हैं और हम इजिप्ट के साथ अपने संबंधों को इंप्रूव करके किन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। और फिर जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में चाइना का जो है एक्सपेंशन हो रहा है, चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है
उसको काउंटर करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। इजिप्ट में चाइना का काफी इन्वेस्टमेंट है, हम ट्रेड वॉल्यूम में भी समझते हैं उसको कि चाइना और इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम में कितना बड़ा अंतर है, लेकिन इजिप्ट क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण, पहले हम ये समझते हैं। देखिए, इजिप्ट के कंट्रोल में स्वेज कैनाल है और स्वेज कैनाल जो है वो लिंक करता है मेडिटेरियन सी और रेड सी को इंडियन ओशन के साथ और बहुत ही भू रणनीतिक इसका महत्व है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें इजिप्ट की जो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो इस एरिए में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और भारत इस बात से अच्छी तरीके से अवगत है कि अगर इस क्षेत्र में भारत को अपनी अच्छी पकड़ बनानी है तो उसे इजिप्ट के साथ अपने संबंधों को इंप्रूव करना होगा। और इसी के चलते हालांकि श्रीनगर में इजिप्ट ने बायकॉट कर दिया एक तरीके से G20 मीटिंग का, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इजिप्ट की यात्रा का प्रोग्राम यूएस से वापसी में बनाया है और 24-25 जून को वो इजिप्ट में रहेंगे। तो ये जो इजिप्ट का गेटवे के तौर पर हम देखें अफ्रीका का, तो चूंकि इजिप्ट के पास एक्सटेंसिव जो है कमर्शियल और लॉजिस्टिक नेटवर्क है अफ्रीका में, और अगर भारत अपने को एक्सपेंड करना चाहता है अफ्रीका में जिस तरीके से चाइनीज इन्फ्लुएंस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बढ़ा है, तो उसके लिए इजिप्ट एक भारत के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर कार्य कर सकता है। तो इजिप्ट में जो यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो रही है वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इंडिया इजिप्ट रिलेशन में, और भारत और इजिप्ट के रिलेशन की जो अपग्रेडिंग जो है जो कि एक बायलेटरल टाइज के तौर पर है उसको स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्यों भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्या ऐसे जियो स्ट्रेटजिक भू रणनीतिक चिंताएं हैं भारत की जिसके चलते इजिप्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इजिप्ट जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है वेस्ट एशिया की। अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश इजिप्ट है, तो एक मार्केट के तौर पर भारत के लिए उभर करके आता है। फिर क्रूशियल जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है इजिप्ट की, क्योंकि 12% जो है ग्लोबल ट्रेड का वो कहां से निकलता है, स्वेज कैनाल से निकलता है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में इजिप्ट की जो पोजीशन है वो की प्लेयर की है पूरे रीजन में। और अगर स्विच के साथ भारत के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप उभरती है और भारत और इजिप्ट के रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट भारत को मिलेगा। फिर अगर हम चाइना को देखें, जिस तरीके से चाइना का पूरे वेस्ट एशिया में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से चाइना ने ईरान और सऊदी के बीच के जो टेंशन थे उसको ब्रोक किया है और दोनों को साथ में ला करके वहां की जियो पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, अमेरिका का वहां से सीधे सीधे इन्फ्लुएंस कम हुआ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो चाइना का इजिप्ट के साथ भी रिलेशन जो है बहुत, भारत के कंपैरिजन में देखा जाए तो 2021-22 में जो चाइना का बायलेटरल ट्रेड इजिप्ट के साथ था वो 15 अरब डॉलर से अधिक का था, जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत से ये दो गुना है, क्योंकि भारत का जो बायलेटरल ट्रेड इजिप्ट के साथ है 2021-22 में वो लगभग 7.5 बिलियन अरब डॉलर का है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने संबंधों को और ऊंचाइयों पर ले जाना। फिर अगर हम देखें तो जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं सीसी, उन्होंने पिछले 8 सालों में 7 से अधिक बार चाइना की यात्राएं की हैं और चाइनीज इन्वेस्टमेंट वो चाहते हैं, क्योंकि इजिप्ट की इकोनॉमी भी कई तरीके की क्राइसिस से जूझ रही है, उन क्राइसिस पर भी हम आगे फर्दर वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन डिस्पाइट इंक्रीजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इंडिया इजिप्ट जो है वो दोनों इस रीजनल क्षेत्र में एक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को एक नया शेप दे सकते हैं, क्योंकि भारत की जो अब नीति है वो इंगेज इन मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स की है। तो मल्टीलैटरल इंगेजमेंट के चलते अभी भारत ने, जैसा कि मिडिल ईस्ट में ही अगर हम देखें, वेस्ट एशिया में देखें, तो ITU2 एक नया अलायंस उभर करके आया है। ITU2 में इंडिया, इजराइल, यूएस और UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल है। फिर निगेव फोरम एक उभरा है जिसमें बहरीन है, इजिप्ट है, इजराइल है, मोरक्को है, यूएस और यूनाइटेड अरब अमीरात है। फिर एक तीसरा ट्राइलेटरल एक उभर करके आया है, इंडिया, UAE और फ्रांस का। तो इसी तरीके का एक मल्टी इंगेजमेंट प्रोग्राम भारत जो है इजिप्ट के साथ भी कर सकता है और अपने संबंधों को ज्यादा डाइवर्सिफाइड करते हुए इजिप्ट के साथ ज्यादा क्लोज स्ट्रेटजिकल रिलेशनशिप को बिल्डअप किया जा सकता है। फिर अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इजिप्ट, जैसा कि बताया कि सबसे पॉपुलस कंट्री है पूरे वेस्ट एशिया में, फिर वो गेटवे के तौर पर कार्य करता है यूरोप के लिए और अफ्रीका के लिए। लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि इजिप्ट का वेस्टर्न एशिया और अफ्रीकन नेशंस के साथ अपने बायलेटरल ट्रेड पैक्ट्स भी हैं और ये भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, और इस दिशा में भारत को प्रयास करना होगा कि कैसे उन
ट्रेड पैक्स जो बायलैटरल भारत इजिप्ट और आसपास के देशों के बीच में है, उनको कैसे ओवरकम करके भारत अपने संबंधों को एक नई दिशा देता है। फिर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इजिप्ट एक मॉडरेट इस्लामिक कंट्री है, क्योंकि इजिप्ट इस्लामिक ओआईसी यानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है उसका मेंबर है, और इजिप्ट की जो पहचान है वो मॉडरेट इस्लामिक कंट्री की है, और इजिप्ट ही वो पहला देश था, अरब देश था, पहला देश तो तुर्की था जिसने इसराइल के साथ अपने रिलेशन को डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन अरब कंट्रीज में इजिप्ट पहला कंट्री था जिसने इसराइल के साथ अपने रिलेशन को डिप्लोमेटिक रिलेशन को सबसे पहले बनाया, और बाद में फिर 1978 में भी री एस्टेब्लिश जो रिलेशन डिप्लोमेटिक हुए थे इजिप्ट के वो इजिप्ट ने ही किए थे। तो इस सारे सिनेरियो में देखें तो भारत के लिए बहुत स्कोप है, वाइडर स्कोप है, और इस वाइडर स्कोप को भारत किस तरीके से एक्सप्लाइट करेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे जो विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी है उन्होंने इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, और निश्चित रूप से इसके लाभ भारत को आने वाले कुछ वर्षों में दिखाई देंगे। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इस तरीके का एक इन्विटेशन जब सीसीजी जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं और जो भारत आए थे और चीफ गेस्ट थे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो एक दोनों देश एग्री हुए थे उस समय कि बायलैटरल रिलेशनशिप को एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में इसको बढ़ाना है, एलिवेट करना है, और इसमें पॉलिटिकल, डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को जो है भारत को इंप्रूव करके लेकर के आना है। अगर हम बैकग्राउंड में भी देखें तो इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशनशिप है वो हिस्टोरिक रहे, क्योंकि इंडिया जहां इंडस सिविलाइजेशन जैसी प्राचीन सभ्यता विकसित हुई, उसी तरीके से इजिप्ट में भी जो है नील नदी घाटी की सभ्यता जो है नाइल सिविलाइजेशन डेवलप हुई, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। फिर अगर हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखें तो जो सम्राट अशोक था उसके समय में भारत और मिस्र के संबंधों के विषय में जानकारी मिलती है, और इसके एविडेंस हैं क्योंकि जो अशोका के एडिक्ट्स मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उसमें टॉलमी सेकंड का उल्लेख मिलता है जो कि उसके दरबार में जो है इजिप्ट के शासक का जो है वो दूत था। तो इस तरीके से भारत और इजिप्ट के एक हिस्टोरिक रिलेशन है, तो कनेक्ट करने के लिए कई सारे एंशिएंट हमारे पास एविडेंसेस भी हैं, मॉडर्न भी हैं, और भारत के संबंध रहे। फिर इसी तरीके से इजिप्ट की जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी और भारत भी ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता का संघर्ष कर रहा था, तब महात्मा गांधी भी देश की स्वतंत्रता के लिए अगुवाई कर रहे थे। उस समय इजिप्ट में एक क्रांतिकारी थे साद ज़ग़लूल, उनके साथ मिल करके उन्होंने उनका समर्थन किया था महात्मा गांधी ने कि कॉलोनियल रूल से ब्रिटिश के हमको स्वतंत्रता प्रयास कर प्राप्त करनी है। फिर स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में ही दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्थापित हो गए थे, और इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत और मिस्र की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जबकि भारत 75वीं अपनी स्वतंत्रता दिवस के बाद अमृत काल में जो है प्रवेश कर रहा है, तो यह भी एक बहुत ही सिंबॉलिक महत्व रखता है। फिर इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन जो है 1995 में अगर हम जाके देखें 1955 में तो दोनों देशों ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, और फिर 1961 में अगर देखा जाए तो जिस टाइम शीत युद्ध चल रहा था पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में कैपिटलिस्ट थे, दूसरी तरफ रूस के नेतृत्व में जो है साम्यवादी देश थे, और उस समय भारत ने जो है नॉन अलाइनमेंट के मूवमेंट जो था वो उसकी पूरी जो आंदोलन जो चला वो भारत, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना के द्वारा हुआ, और 1961 में नाम का एस्टेब्लिशमेंट भी के ये फाउंडर कंट्रीज रहे हैं। तो इस दिशा से भी अगर देखा जाए तो दोनों के संबंध बड़े ऐतिहासिक हैं। और फिर वर्तमान में अगर देखा जाए तो मिस्र जो है अपना मिलिट्री को एम्पावर करना चाहता है, और पश्चिम एशिया में एक तरीके का एक चेंज चल रहा है जहां पर अमेरिकन डिपेंडेंसी कम हो रही है, तो डिफेंस के सेक्टर में इजिप्ट भारत के साथ अपना कोलैबोरेशन करना चाहता है, अपने टाइज को बढ़ाना चाहता है, और वो भारत के साथ डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना चाहता है। और एक्चुअल में अगर हम बैकग्राउंड में भी देखें तो इस तरीके का कोलैबोरेशन जो है भारत और इजिप्ट के बीच में रहा है, क्योंकि 1960s में भारतीय जो एयरफोर्स थी और इजिप्ट की जो एयरफोर्स थी उन लोगों ने
मिल करके कोलैबोरेशन के थ्रू एक फाइटर जेट या फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का प्रयास किया था। फिर 85 तक, 60 से 85 तक, यानी 1960 से 1985 तक आप कह सकते हैं, 80-85 तक भारत और इजिप्ट के, भारत के जो पायलट थे वो इजिप्ट के पायलट्स को ट्रेनिंग दिया करते थे। तो ये एक बैकग्राउंड है, और इसी बैकग्राउंड में आज जो है इजिप्ट जो है भारत से जो है कई तरीके के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को प्रिक्योर करना चाहता है, जिनमें से LCA तेजस है, मिसाइल्स लाइक आकाश है, डीआरडीओ का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन है, रडार्स है, तो कई सारे क्षेत्र हैं। और फिर दोनों देशों के बीच में 1922 में एक पैक्ट हुआ है, और उस पैक्ट के जरिए दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, कॉपरेट इन ट्रेनिंग करना चाहिए, जिसके चलते इंडियन आर्मी और इजिप्टियन आर्मी में एक एक्सरसाइज प्रारंभ हुई है, और इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन 1, जो कि जैसलमेर राजस्थान में इसका पहला वर्धन अभी ऑर्गेनाइज हुआ है। फिर भारत ने इजिप्ट के साथ जो है अपने डिफेंस एग्रीमेंट को भी जो है साइन किया है, और ऐसा इजिप्ट 8वां देश बन जाता है। इसके पहले भारत ने ईरान के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, इसराइल और जॉर्डन के साथ भी जो है इस तरीके के एग्रीमेंट कर रखे हैं। और इजिप्ट भी भारत की तरफ बहुत ही पॉजिटिव भी देख रहा है, क्योंकि इजिप्ट में भी कई तरीके की समस्याएं हैं। अगर हम इजिप्ट को देखें तो इजिप्ट की इकोनॉमी जो है डाउन हो रही है, उसके कई कारण है। एक तो वहां कई सालों से विकास के लिए सही वातावरण नहीं रहा है, फिर पैंडेमिक ने उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई, फिर रशिया यूक्रेन वार से उसकी इकोनॉमी, विशेष करके जो उसकी फूड सप्लाई थी जो कि 80% से ज्यादा थी और रशिया और यूक्रेन पर बेस थी, वो डिस्टर्ब हुई है, जिसके चलते उसका फॉरेन रिजर्व भी जो है नेगेटिवली इंपैक्टेड हुआ है। तो इन सारी समस्याओं के चलते इजिप्ट भी भारत की तरफ एक आशा की किरण से देख रहा है, क्योंकि भारत भी एक ह्यूज अमाउंट जो है वो ऐसा देख रहा है कि इन्वेस्ट कर सकता है इजिप्ट के डेवलपमेंट में, इजिप्ट के दूसरे सेगमेंट्स में, जैसे स्वेज कैनाल के में दूसरा जो उसका एक चैनल बनने वाला है उसमें निवेश कर सकता है, इजिप्ट अपनी एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना रहा है उसमें निवेश कर सकता है, और कई सारे भारतीय वहां पर जो है बड़े उद्यमी वहां पर निवेश करेंगे, लगभग 3.5 अरब डॉलर रुपए भारत का इजिप्ट में निवेश है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए, फिर इसके चलते भारत ने जबकि वीट के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था, इसके बावजूद भारत ने अलाउ किया इजिप्ट को वीट एक्सपोर्ट, गेहूं का निर्यात भारत ने अलाउ किया। तो ये जो ऐसी चीजें हैं जो भारत और इजिप्ट को क्लोज लेकर के आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत और इजिप्ट के रिलेशन डाइवर्सिफाइड हैं, बायलेटरल रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, और इस बुनियाद पर अब हम भारत और इजिप्ट के रिलेशन को फर्दर जो है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ नेतृत्व की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और ये इच्छा शक्ति जो है, ये विल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिखाई है, और उसमें उन्होंने कमिटमेंट दिखाया है, एस जयशंकर जी ने दिखाया, और निश्चित रूप से भारत और मिस्र के संबंध जो है वो तेजी से उस क्षेत्र के जो पूरा डायनेमिक्स है उसको बदलने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि अगर हम ट्रेड भी देखें तो भारत का ट्रेड निश्चित रूप से अगर इसराइल के चाइना के कंपेरिजन में हाफ है, लेकिन इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो हिस्टोरिक हुआ है, और ये 2021-22 में जैसा कि मैंने बताया 7.26 बिलियन अरब डॉलर था, और इसका प्लस पॉइंट एक सबसे बड़ा ये है कि ये जो बिजनेस ट्रेड है वो फेयरली बैलेंस्ड है, यानी ऐसा नहीं है कि भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा है और या मिस्र का एक्सपोर्ट भारत में ज्यादा है, बल्कि इजिप्टियन एक्सपोर्ट जो भारत में है वो लगभग 3.52 बिलियन डॉलर है, और अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात की जाए इजिप्ट को तो वो 3.74 बिलियन अरब डॉलर है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि सारी चीजें सकारात्मक जा रही हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है, और ये एक सही समय पर लिया गया सही निर्णय है, और निश्चित रूप से इसके प्रभाव जो हैं पाकिस्तान और चाइना के ऊपर पड़ेंगे, और भारत के इस प्रभाव से दोनों ही देशों में एक संदेश गया है कि भारत की अब जो मल्टी एंगेजमेंट की जो विदेश नीति है निश्चित रूप से वो फ्रूट बियरिंग होने जा रही है मिडिल ईस्ट में भी। थैंक यू सो मच, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।